भगवान श्री राम की जो है बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है अयोध्या में, और राजस्थान में डिमांड आ रही है गर्भवती महिलाओं की कि वो ये चाहते हैं कि उनके घर में ही राम आए, और वो डिलीवरी की डेट है वो जो है 22 तारीख को रखना चाहती है। क्या कहना है आपका? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका कहना बिल्कुल सही है। मेरे पास रोज के जैसे मेरे पास रजिस्टर होते हैं पेशेंट, तो ज्यादातर पेशेंट जो हो रहे हैं जो इसके अराउंड है, जनवरी में है, 29th 30th, वो सारे नॉर्मल डिलीवरी है, वो तो अनप्रिडिक्टेबल होती है, कभी भी हो सकती है, लेकिन वो भी यही चाह रहे हैं कि हमारा 22 जनवरी को हो। लेकिन जो सिजेरियन वाली जैसे मेरे पास है पेशेंट, तो पहले इसकी डेट हमने 27-28 के आसपास दी थी, लेकिन इन्होंने मुझे आके खुद ही आके बोला कल कि नहीं मैडम, हम 22 जनवरी को कराना चाहते हैं, क्योंकि भगवान हम चाहते हैं कि हमारे घर में श्री राम भगवान आए। तो अभी करीब 4 से 5 पेशेंट्स ने आके मुझको बोला है कि 22 जनवरी को हम कराना चाहते हैं। वो स्पेशली पंडित जी से भी जाके मुहूर्त निकलवा के आए कि 22 जनवरी को ही हम करवाएं, इससे भगवान श्री राम हमारे घर में आए। तो लोगों में एक भक्ति भावना का सेंटिमेंट जो है वो पेशेंट्स बिल्कुल बहुत ज्यादा आजकल भगवान जो पेशेंट्स हैं और जो भी आम पब्लिक है उसमें एक भक्ति भावना का बहुत ज्यादा संचार हो रहा है। इसीलिए पेशेंट्स मेरे पास आए हैं कि मैडम आप हो सके तो 22 जनवरी को कर दीजिए, या फिर अगर नॉर्मल डिलीवरी वाला को तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन सिजेरियन वाले जो भी हैं 3-4 पेशेंट मेरे पास रजिस्टर हो चुके हैं। इसके लिए तैयारियां क्या की गई हैं आपके लिए स्पेशल, क्योंकि मरीजों की संख्या अगर अचानक से बढ़ जाएगी डिलीवरी की तो उसके लिए हमारे पास पूरी तैयारी है, उसके लिए हमारी पूरी टीम है, तो हमने ऑलरेडी पहले से ही इसके लिए पूरी तैयारियां की हुई है। हमारे ऑलरेडी वैसे भी हमारे दिन में 3 या 4 डिलीवरियां होती है, 3 या 4 पेशेंट्स तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं मेरे पास 22 तारीख को, और अगर बढ़ेंगे तो फिर हम और एक्स्ट्रा टीम वो करवा के। इससे पहले भी कभी इस तरीके का कोई जो है इस तरीके का मुहूर्त निकला हो और लोगों की डिमांड आई हो, आपको कभी याद हो, आपने ऐसा कभी जो सुना हो? जन्माष्टमी पे भी मुहूर्त निकलते हैं, शिव जो होता है ना अभी अपनी याद है जो शिवरात्रि पे भी मुहूर्त निकालते हैं, और जन्माष्टमी पे तो बहुत ज्यादा होते हैं, न्यू ईयर पे भी होते हैं, जन्माष्टमी पे बहुत ज्यादा होते हैं, सब सोचते हैं कि कृष्ण भगवान हमारे घर में आए, इसलिए मतलब शिव जी और कृष्ण जो जन्माष्टमी राम जी कृष्ण जी राम की, बहुत ज्यादा हिंदुत्व बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा हिंदू धर्म का संचार हो रहा है, और लोग बहुत ज्यादा आस्था रख मतलब अभी इन दिनों में तो राम के प्रति इतनी आस्था हो रही है कि राम भगवान के प्रति कि 22 जनवरी को ही ज्यादातर लोग चाह रहे हैं कि हमारी डिलीवरी हो। डेट से आगे पीछे कर रहे हैं और 22 तारीख को जो है डिलीवरी चाहते हैं, तो क्या इससे किसी को कोई जो परेशानी हो सकती है? नहीं नहीं, हम लोग भी इस चीज को समझ के तभी हम 22 तारीख को प्लान कर रहे हैं। अगर बच्चा प्री मैच्योर हो तो हम नहीं चाहते कि 22 जनवरी को हो, तो और नॉर्मल वालों के लिए तो हमने बोल दिया कि अगर तुम्हारी किस्मत होगी तो उस दिन आ जाएंगे भगवान श्री राम, और बाकी तो वो तो डेट पे ही होगा। अपने ओटी वगैरह में कुछ आपने खास तैयारियां की? 22 जनवरी को जो है बच्चे पैदा होंगे आपके अस्पताल में जो है श्री राम। हाँ, हमारे उस दिन भजन संध्या का आयोजन किया है हम लोगों ने भी, हमारे जैसे छोटा सा पूजा हमने भी रखी है शुरू सुबह सुबह कि भगवान श्री राम, ज्यादा से ज्यादा भगवान श्री राम आए हमारे मरीजों ने हमको आके ये भी बोला है, तो हम उस दिन जिस ओटी में म्यूजिक तो थोड़ा बहुत चला सकते हैं, तो उस टाइम पे हम म्यूजिक के रूप में राम भजन या फिर हनुमान चालीसा या इस तरह का करेंगे। बच्चों को भी हमने स्पेशली येलो कलर के कपड़े मंगवा के रखे हैं कि उनको येलो कलर के कपड़े पहनाएंगे जिस दिन मतलब उनका सिजेरियन होगा और 22 तारीख को जो डिलीवरीज होगी। स्वागत की पूरी तैयारी है जी, पूरी तैयारी हम सोच रहे हैं छोटी छोटी मालाएं भी रखवाई जाए बच्चे को पहनाने के लिए। जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं गायनेकोलॉजिस्ट, उनसे भी बात हुई है, तो 3-4 गायनेकोलॉजिस्ट ने भी मुझे बताया है कि ऐसे हाँ मेरे पास भी पेशेंट, उनके पास भी पेशेंट जा रहे हैं जो रजिस्टर होना चाहते हैं 22 जनवरी को डिलीवरी, जो इलेक्टिव सिजेरियन वगैरह है 22 जनवरी को रजिस्टर। एज अ सीनियर डॉक्टर आपका डिलीवरी का जो ये रहता है ये वैसे रोज का प्रोसेस रहता होगा, बट इस बार क्या स्पेशल है, कैसी फीलिंग है एज अ डॉक्टर? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सब सुन के, पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और ऐसे बोलते हैं कि मैडम 22 जनवरी को हम चाहते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ लोगों में स्पिरिचुअलिटी। पुण्य का काम की तरह देखता है उसको? हाँ, पुण्य के काम की तरह। हाँ, पुण्य के मुझे भी लग रहा है कि मैं भी एक बार, मेरा प्लान था कि अयोध्या जाऊं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि यहीं पे डिलीवरी कराऊं और भगवान श्री राम यहीं आए। संख्या देखी जाए तो कितनी होगी? अंदाजा तो अपन नहीं बता सकते क्योंकि इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं,
लेकिन आप सोच लो कि हर हॉस्पिटल में 2 या 3 पेशेंट तो रजिस्टर होंगे जो इलेक्टिव सीजेरियन वाले होंगे। ये बहुत बड़ा पर्व है हमारे लिए, मतलब हम अपनी लाइफ में देख पा रहे हैं इस दिन को, यही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और इसलिए मतलब सीजेरियन तो होनी है, डिलीवरी तो वो 2 दिन पहले क्यों नहीं हो जाए, जहाँ पे 24 तारीख डॉक्टर ने डेट दी थी तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करके 22 तारीख का टाइम लिया है सर, क्योंकि ये ऐतिहासिक दिन है और घर में तैयारियां सभी जबरदस्त हो रखी है, लाइटिंग वगैरह जो भी है अपना, फूल माला वगैरह, क्योंकि ये सब बहुत बड़ा पर्व है हमारे लिए और बहुत गर्व की बात है कि इस दिन अगर हमारा डिलीवरी सक्सेसफुल हो जाए, वही हम लोग सब चाहते हैं सारे घर वाले। ठीक है, तो घर वालों के साथ जो पड़ोसी हैं, कॉलोनी वाले हैं, अगर ऐसा होता है तो सब स्वागत में हैं? बिल्कुल सर, सब स्वागत में है, बिल्कुल पूरी कॉलोनी इंतजार कर रही है कि कब वो 22 तारीख आए और कब वो हो पूरा सक्सेसफुल। घर सजा दिया है? बिल्कुल सर, बिल्कुल तैयारियां चल रही है बिल्कुल। वैसे तो मेरी डेट 24 की है, लेकिन हमारे घर वाले चाहते हैं कि अपन 22 तारीख को कराएं, 2 दिन बाद कराएं तो 2 दिन पहले कराएं, उससे राम भगवान हमारे घर में आए। और अगर ये डेट जो आपकी आगे है तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो 22 तारीख को हम जो है भगवान श्री राम को लाना चाहते हैं, लेकिन जो है आपके लिए भी एक रिस्क है? डॉक्टर से बात हुई आपकी? डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि सब ठीक है। आप घर में क्या तैयारियां हैं? आप अभी यहाँ हैं, घर वाले भी होंगे पीछे तो तैयारियां करके बैठे होंगे कि 22 तारीख को जो है स्वागत की तैयारियां, कपड़े लिए होंगे फूलों से आपने, बच्चे के लिए क्या क्या हुआ है घर वगैरह? आपके अंदर मन में कैसी फीलिंग आ रही है? एक मन में ऐसी फीलिंग आ रही है, मेरे तो 22 को ही हो, सभी यही चाहते हैं कि 22 जनवरी को ही हो। तो 22 तारीख के लिए आपको किसने कहा, परिवार ने कहा या अखबार में पढ़ा या प्रधानमंत्री खुद जा रहे हैं तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि 22 को ही हो? टीवी न्यूज पे भी आ रही है, घर वाले भी चाहते हैं और मैं भी चाहती हूँ। भक्ति को देखते हुए हाँ। क्या तो उसके साथ साथ बेटा भी चाहते हैं मतलब हाँ। मेरे घर में भी राम भगवान आए।